नूरपुर की पंचायत कमनाला की राजकीय प्राथमिक पाठशाला डग्गर स्कूल के बच्चे खौफ के साए में पढ़ रहे हैं। गांव के लोगों ने स्कूल के लिए जगह दान में दी थी और सोचा था कि उनके बच्चे गांव में ही पढ़ेंगे। अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि खौफ के कारण स्कूल में सिर्फ 6 ही बच्चे पढ़ाई करते हैं। कारण स्कूल का भवन जो कि कभी भी गिर सकता है और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। नूरपुर की पंचायत कमनाला के राजकीय प्राथमिक पाठशाला डगर स्कूल के बच्चे खौफ के साए में पढ़ रहे हैं। गांव के लोगों ने स्कूल के लिए जगह दान में दी थी और सोचा था कि उनके बच्चे गांव में ही पढ़ेंगे। अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि खौफ के कारण स्कूल में सिर्फ 6 ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इसका कारण स्कूल का भवन जो कि कभी भी गिर सकता है और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसमें बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसा लगता है कि प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है और किसी भी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। गांव के राकेश कुमार ने बताया कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला ढंगर का भवन गिरने की कगार पर है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में इसकी शिकायत डाली थी, लेकिन 2 माह बाद जवाब आता है कि आपकी शिकायत को बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी जमीनी स्तर पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। सरकार से मांग की है कि जब सरकार ने हेल्पलाइन शुरू की थी तो शिकायत का समाधान भी करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सरकार ने सेवा तो शुरू की है और जमीनी स्तर पर भी कुछ भी नहीं है। राकेश कुमार ने कहा कि स्कूल कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है। हाँ, मैं राकेश कुमार, गांव ठंगर से। जो ठंगर का प्राथमिक पाठशाला है उसका भवन बहुत ही गिरने की कगार पर है। मैंने मुख्यमंत्री संकल्प हेल्पलाइन में इसकी कंप्लेंट की थी 19 सितंबर को, लेकिन दो महीने बाद मेरे को उसका जवाब आता है कि आपकी शिकायत उच्च स्तर से बंद कर दी गई है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो जो मैंने कंप्लेंट की थी उसका जो नंबर था वो 65005 था। जब मैंने फिर उनसे बाद में संपर्क किया कि मेरे को मैसेज आया कि ये कंप्लेंट बंद क्यों की गई है, तो मेरे को बताया गया कि बजट ना होने के कारण आपकी जो कंप्लेंट है वो उच्च स्तर से बंद की जा रही है। पर हम सरकार के समक्ष ये मांग करना चाहते हैं कि जब आपने हेल्पलाइन शुरू की है तो उसका समाधान भी करना चाहिए सरकार को। ऐसा नहीं है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है एक किस्म का जे कि सेवा शुरू तो की है लेकिन ग्राउंड लेवल पर उसका कोई भी औचित्य नहीं है। तो सरकार से ये मांग है कि जो हमारा स्कूल है ठंगर का, जो बहुत ही गिरने की कगार पर है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, तो क्या सरकार उस हादसे का इंतजार कर रही है या कब जागेगी, जब कोई अनहोनी घटना हो जाएगी जिसके बाद सरकार को होश आएगा कि अब इसका कुछ करना है। तो सरकार से हम एक बार फिर से मांग करते हैं कि इसको शीघ्र से शीघ्र इसका समाधान किया जाए। बच्चे इस स्कूल में पहले 30 के करीब बच्चों की संख्या होती थी, लेकिन अब वो घटकर 6 रह गई है। गांव वालों ने इस स्कूल को बनाने के लिए सन 2000 में अपनी जमीन दान में की थी, लेकिन सरकार उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। अब स्कूल की हालत इतनी वो हो गई है कि कोई भी बच्चे डर के मारे अब पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में नहीं भेज रहे हैं कि कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। जो बच्चे हैं 5-6 बच्चे हैं स्कूल में, वो बाहर बैठ के पढ़ते हैं। तो हमारी यही डिमांड है कि इसको जल्दी से जल्दी सब ठीक किया जाए बिल्डिंग। पूर्व बाढ़ सदस्य रेखा देवी ने बताया कि इस स्कूल के लिए गांव वालों ने जगह दान की थी ताकि हमारे बच्चे यहीं गांव में पढ़े, क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। भवन की शिकायत काफी बार हो चुकी है। मौके पर एसडीएम नूरपुर व विधायक आ चुके हैं। रेखा देवी ने कहा कि अगर कल कोई घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। देवी निवासी ठंगर, हमने इस स्कूल के लिए गरीब लोगों ने जे अपनी भूमि दी है कि हमारे बच्चों को जसूर स्कूल पढ़ता था, छोटे छोटे बच्चे नहीं जा सकते थे क्योंकि हम गरीब जनता है। तो उसके बाद उन्होंने जो स्कूल बनाया है, स्कूल गिरने शुरू हो गए। तो हमने इस स्कूल की कंप्लेंट काफ़ी बार दे चुके हैं। मौके के एसडीएम साहब भी ठंगर में आए हैं और एमएलए साहब केश पठानिया जी भी इधर आए हैं। तो हमें कोई भी इस बात के लिए नहीं बताया कि अगर कल को कोई घटना हो जाती है जब स्कूल गिर जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन है। हमें इस बात का पता जरूर लगाना चाहिए।